जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी से शुक्रवार सुबह बड़ी खबर सामने आई है, जहां चंदवाजी में मालवाहिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें, इस हादसे में एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें चंदवाजी के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें, बस सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल की है। वहीं पुलिस के मुताबिक स्कूल बस विद्यार्थियों को लेकर चंदवाजी जा रही थी। इसी दौरान सलाडवास के पास एक बाइक चालक बस के सामने आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में बस चालक नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें, हादसे में एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं हादसे के वक्त बस में करीब 40 से अधिक विद्यार्थी सवार थे। बस के पलटते ही चीख पुकार मच गई, तभी आसपास से मौजूद लोग बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। बता दें, मौके पर मौजूद लोगों ने कांच के शीशे तोड़कर काफी मशक्कत के बाद बच्चों को बस से बाहर निकाला। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों ने उनके भीतर हड़कंप मच गया। अभिभावक अपने अपने बच्चे का हाल चाल जानने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के साथ परिजनों की भीड़ जुट गई। इस दौरान चिंतित परिजन अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेते हुए भी नजर आए। वहीं आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल एक दर्जन से अधिक बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो वहीं चंदवाजी थाना पुलिस ने क्रेन की सहायता से बस को साइड में करवाकर यातायात को चालू करवाया।